हेलो गाइस, मैंने लिया है व्यू का एंड्रॉयड 4 की टीवी। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अगर पहले चलो आप दिखाऊं कि इसके बॉक्सेस पे कौन कौन से। चलिए गाइस, बॉक्स को ओपन करना शुरू करते हैं। ये है इसकी यूज़र मैनुअल्स और टीवी रिमोट। चलिए आपको रिमोट की एक बार पिक्चर दिखा देता हूँ। ये है व्यू का रिमोट, जिसमें कि आपको मिलता है वॉइस सर्च का ऑप्शन। टीवी देखने में बहुत बल्की है और काफ़ी हैवी भी है। तो चलिए इसका बैक पैनल एक बार आपको दिखा देता हूँ क्लोजली। ये है पावर इनपुट के लिए, ये बैक साइड जिस पे कि सीरियल नंबर एंड मॉडल नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको मिलता है डेटल आउटपुट पोर्ट एंड 2 USB पोर्ट, 1:2.0 एंड 1:3.0 एंड 3 HDMI पोर्ट, 1 सर्विस पोर्ट, 1 चैनल इन पोर्ट एंड 1 कंपोसाइट इन पोर्ट एंड 1 LAN पोर्ट एंड वाईफाई इसमें इन बिल्ड है। तो आप चाहे तो इंटरनेट या तो लैन से चला सकते हैं, फिर वाईफाई से आपके पास दोनों ऑप्शन है। तो चलिए टीवी को स्टार्ट करके देखते हैं। तो सबसे पहले टीवी को कनेक्ट करिए अपने होम वाईफाई से। वाईफाई कनेक्ट होने के बाद अपने गूगल अकाउंट से साइन इन कीजिए। साइन इन होने के बाद अपने टीवी के लिए एक नेम चूज करिए, फिर कंट्री सेलेक्ट कीजिए अपनी, एग्री एंड ये आपका हो गया सेटअप कंप्लीट। तो गाइस, टीवी की इंस्टॉलेशन तो हमने खुद कर लिया। तो चलिए अब मैं आपको इसका फुल डिटेल में रिव्यू देता हूँ। ये है व्यू का 55 इंच अल्ट्रा HD 4K टीवी विद ऑफिशियल एंड्रॉयड। इट्स एन ऑफिशियल एंड्रॉयड टीवी जो कि है एंड्रॉयड 8.0 ओरियो, जिसको आपको मिलती है 2.5 GB रैम एंड 16 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इस टीवी में क्या क्या है। जैसे कि यहाँ पे प्ले मूवीज, आप यहाँ पे मूवीज देख सकते हैं, YouTube, और जैसे कि रिमोट में डायरेक्ट ऑप्शन है गूगल प्ले और यूट्यूब का, तो आप गूगल प्ले से डायरेक्ट कोई भी ऐप या गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं। खुल गया गूगल मूवीज, आप कोई भी मूवीज रेंट पे लेके देख सकते हैं। प्ले स्टोर भी आपको दिखा देता है। देखिए इसमें प्री लोडेड एप्स है, गूगल प्ले म्यूजिक, गूगल प्ले, गूगल प्ले स्टोर। तो चलिए आपको नेटफ्लिक्स इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। देखिए नेटफ्लिक्स हो गया, इंस्टॉल करते हैं।
ये देखिए नेटफ्लिक्स इंस्टॉल हो गया। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो आप नेटफ्लिक्स में लॉग इन करके आप मूवीज एंड टीवी शोज देख सकते हैं। चलिए अब मैं आपको एक YouTube का वीडियो डेमो दिखाता हूँ, इसकी क्लैरिटी कैसी है और साउंड क्लैरिटी कैसी है इसकी। तो आप देख सकते हैं इसकी क्लैरिटी कितनी अच्छी है। एक एक पिक्सल आप क्लियरली देख सकते हैं। तो 40 टू 50 की रेंज में ये बेस्ट टीवी है। चलिए एक बार आपको साउंड टेस्ट भी करा दूं। तो इसके साउंड काफ़ी क्लियर है और काफ़ी क्रिस्प साउंड है इसका। तो इसमें जो है आपको मिलता है क्रोम का इनबिल्ट। तो आप जो अपने फ़ोन से डायरेक्टली यूट्यूब वीडियो चला सकते हैं और फोन से गेम खेल सकते हैं। तो चलिए आपको क्रोम का डेमो दे दूँ। अपने कोई भी स्मार्टफोन लीजिए और क्रोम क्लास ऑप्शन ओपन करिए। ये देखिए आपका क्रोम का चल जाएगा। तो आप स्क्रीन मेमोरिंग कर सकते हैं और यहाँ से आप फोन से कोई भी गेम सेम्स आपकी कोई हो वो खेल सकते हैं। क्योंकि फोटोज या वीडियो देखना चाहे तो आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए डेमो तो हो गया, एक और डेमो मैं आपको दे देता हूँ गेम का, देखते हैं इसकी गेम परफॉर्मेंस कैसी है। तो मैंने थोड़ी देर पहले ही एक गेम इंस्टॉल करी थी, आपको गेम खेलते दिखा देता हूँ। बच्चों के लिए बहुत ठीक है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे आपको गेम्स मिल जाते हैं। तो बच्चों को इससे टीवी से अच्छा खासा टाइम पास हो जाएगा गेम्स खेलते खेलते।
चलिए डेमो तो हो गया, तो अब बात कर लेते हैं इसकी कि इसमें क्या क्या स्पेशल है, क्या क्या अच्छा है। तो सबसे अच्छी इसमें बात ये है कि आपको 40-50 के रेंज में 4K स्मार्ट टीवी मिल रहा है, वो भी ऑफिशियल एंड्रॉयड टीवी। एंड इसमें क्रोम प्लस इनबिल्ट है, जिससे कि आप पबजी जैसे गेम्स जो है इजीली खेल सकते हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि इसमें मेरे को क्या क्या अच्छा नहीं लगा। एक तो ये और तीसरी खराब बात जो है इसका साउंड जो है थोड़ा मतलब क्लियर है लेकिन थोड़ा कम है, तो आपको जो है साउंड बार या फिर होम थिएटर की जरूरत पड़ सकती है। सो दैट्स इट गाइज, अगर आपको फिर भी मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं।